हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए चार ब्रेकआउट स्टॉक लेके आया हूँ। जब कल कल यानी कि 21 जून 2023 को अगर वो लेवल के आसपास मिलते हो तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो। तो उससे पहले अपने जो 20 जून को जो ट्रेड दिए थे तो उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक था वाबाग, जो बोला था कि 470 के ऊपर बाय करना है। स्टॉक अच्छा था, ऊपर भी गया था। 470 के ऊपर बाय हुआ, 475-76 अभी चल रहा है, वो भी रनिंग में है क्योंकि अपने जो टाइम पीरियड दिया है उसके हिसाब से वो टारगेट अचीव होगा। तो अगर आपको वो टारगेट और स्टॉप लॉस देखना है तो कल का वीडियो देख सकते हो, उसमें समझ में आ जाएगा। कंट्रोल प्रिंट दिया था, वो भी अपना क्या है रनिंग में 625 बायोन डिप बोला था। स्टॉक नीचे भी आया था, 625 है, 620 है, 19 का लो भी मारा था, लेकिन अपना स्टॉप लॉस था 615 का। अभी क्लोजिंग है 622.5 पे, तो वो भी रनिंग में है। और इसके बाद ग्रीन पैनल था, जो इनवैलिड सेटअप था, यानी कि इनवैलिड सेटअप यानी कि अपने दो लेवल देते हैं, बाइंग लेवल और स्टॉप लॉस लेवल। तो अगर कोई स्टॉक पहले स्टॉप लॉस लेवल के नीचे ट्रेड करता है तो वो इनवैलिड सेटअप हो जाता है। तो ग्रीन पैनल में सेम ही हुआ था, तो स्टॉक ऊपर नहीं गया, नीचे पहले गया, तो इनवैलिड सेटअप हो गया, वहां पे आपका कॉल एक्टिव नहीं हो पाया। मुंजाल शो में भी ऐसा ही था, अपने 138 के ऊपर बाय बोला था, 133 का स्टॉप लॉस था। तो आज देखोगे तो स्टॉक ने 133 के नीचे पहले ट्रेड किया था, तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो गया, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये अपना कल का परफॉर्मेंस हो गया। और गाइज, यहाँ पे मैंने जो रनिंग लिखा है तो उसका ये मतलब है कि अगर ये स्टॉक अच्छे ही है, अगर आपको डिस्काउंट पे मिलते हैं तो ले सकते हो। जैसे कि अभी कंट्रोल प्रिंट मैंने 625 पे और बाय बोला था, अभी 622.5 पे चल रहा है, तो यहाँ पे भी ले सकते हो। इसको आप डिस्काउंट ट्रेड भी बोल सकते हो क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तो फिक्स है, 615 का ही सबके लिए रहने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, आपको पता होगा गाइज, अपने फ्राइडे को जो वीडियो बनाया था, यानी कि वीडियो बनाया था थर्सडे को, लेकिन जो अगर आप फ्राइडे का जो देखोगे 16 जून का वीडियो देखोगे, इंट्राडे का वीडियो, उसमें अपने आरईसी दिया था। कब दिया था? 15 तारीख को एनालिसिस किया था, 16 तारीख को कॉल एक्टिव हुआ था, 153.5 के ऊपर अपना कॉल एक्टिव हुआ था और 160 का टारगेट था। तो देखोगे तो आरईसी ने टारगेट अचीव कर लिया था। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, दीपक नाइट्रेट ले लो, बहुत सारे स्टॉक है, तो उसमें अपने टारगेट भी अचीव होते रहते हैं, लेकिन आपको टाइम पीरियड दिया उसके हिसाब से होल्ड रखना पड़ेगा। इसमें कौन सा रीजन था? बाय एंड डिप एटीएक्स था और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था, और यहाँ पे जो रेड कलर की कैंडल दिख रही है इसके आसपास अपने बाय बोला था, इसके ऊपर बाय बोला था और स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दिखाई। तो अभी अपने मैं कल के आपको चार स्टॉक बताऊंगा, उसमें पहला स्टॉक का नाम रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल को आपको बाय करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप क्लियर कट देखोगे तो 2 घंटे की कैंडल के ऊपर अपने क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो 1 मिनट, सॉरी गाइस, तो यहाँ पे देखोगे तो 2 घंटे के कैंडल के ऊपर स्टॉक का नाम है अपोलो हॉस्पिटल। बाय करने का रीजन क्या है? एक्चुअली मैंने लेवल यहाँ पे लिखे ही नहीं है, लेकिन आपको अभी मैं बता दे रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं टाइप करना भूल गया। तो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में आपको क्लियर कट क्या दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है, और यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया। और आज देखोगे तो इसने क्या किया, डोजी जैसा कैंडल बनाया, मदर कैंडल बनाया, उसके बाद पूरे दिन उसके अंदर ही स्टॉक ने ट्रेड किया है। तो अभी क्या हो सकता है, स्टॉक यहाँ से या तो ऊपर भी जा सकता है, और यहाँ से ऊपर से देखोगे तो उसको डाउन ट्रेंड लाइन भी आ रही है, यानी कि आप इसको छोटा सा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोल सकते हो। तो अगर ऊपर का लेवल ब्रेक होता है तो स्टॉक में ऊपर की साइड अच्छी रैली आ सकती है, अगर नीचे का लेवल ब्रेक होता है तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। और नीचे से देखोगे तो एडीएक्स और विलियम्स है, यानी कि बाय एंड डिप विथ एडीएक्स। यहाँ पे देखोगे तो एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर है, विलियम्स आर की वैल्यू अभी -80 नहीं आई, लेकिन अगर कल स्टॉक समझो कि दोनों के बीच में ओपन होता है, इसका प्राइस है आपको मैं बता देता हूँ 5200 है और इसका लेवल है 5100, आपको याद रहेगा। तो 5200 के ऊपर बाय करना है, 5100 का आपका स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉक दोनों के बीच में ओपन होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -80 के आसपास आ जाएगी। तो ये बहुत हाई चांस है कि स्टॉक नीचे आके फिर से ऊपर चला जाए। तो आपको क्या करना है, स्टॉक को बाय करना है, अभी सीएमपी पे तुरंत बाय नहीं करना, आपको क्या करना है वेट एंड वॉच करना है, कल स्टॉक को 5200 के ऊपर बाय करने का ट्राई करना है और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 5100 का, और इसमें टारगेट रहेगा वो 5300 का, लिख के रखना गाइस, यहाँ पे मैं टाइप करना भूल गया हूँ तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो 100 रुपीज का आपका रिस्क है, 100 रुपीज का रिवॉर्ड है, इतना याद रखना है। 5200 के ऊपर आपको बाय करने का ट्राई करना है, पहला स्टॉक का नाम है अपोलो हॉस्पिटल।
अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है तिलक नगर इंडस्ट्री। तो इसको आपको बाय करना है, इसके पीछे का अपने लॉजिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर का डेली चार्ट दिख रहा है, तो डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नाम है टीआई, टीआई यानी कि तिलक नगर इंडस्ट्री स्टॉक का नाम है। बाय करने का रिजल्ट क्या है, रीजन क्या है, रिवर्सल पॉइंट। तो अब आप सोच रहे होगे कि रिवर्सल पॉइंट होता क्या है। तो रिवर्सल पॉइंट क्या होता है कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन डिमांड जोन के अंदर से क्रॉस होती है तो वो एरिया को क्या बोलते हैं, रिवर्सल पॉइंट बोलते हैं। तो अभी डिमांड जोन पहले आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिमांड जोन अपने कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा था, रिजेक्शन आ रहा था और फाइनली एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। तो आप इसको ब्रेकआउट कैंडल बोल सकते हो, ये आपका पूरा सप्लाई जोन था। ब्रेकआउट कैंडल के बाद क्या हो जाता है, पूरा डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डिमांड जोन हो गया। अभी आपको देखना है कोई ट्रेंड लाइन अंदर से क्रॉस हो रही है कि नहीं हो रही। तो यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड लाइन के यहाँ पे सपोर्ट था, ट्रेंड लाइन का यहाँ पे भी सपोर्ट था। तो जैसे ट्रेंड लाइन का देखो यहाँ से क्रॉस हुआ, कहाँ से हो रही, ट्रेंड लाइन डिमांड जोन के अंदर से जा रही है, यानी कि यहाँ पे पूरे एरिया को क्या बोल सकते हो, रिवर्सल पॉइंट बोल सकते हो। तो सेम स्टॉक ऐसे ही दिखा, आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे ही आया तो यहाँ पे पॉज मारा, क्योंकि यहाँ पे उसको डिमांड जोन का भी सपोर्ट मिल रहा था, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा था और एक कैंडल ने देखोगे तो रिवर्सल सिग्नल भी दे दिया। और आपका जो सपोर्ट कैंडल बोल सकते हो उसके हाई के ऊपर भी स्टॉक गया है, यानी कि आपका रिवर्सल कंफर्मेशन मिल चुका है, स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। और एक कैंडल जो लो मारा वो आपका फाइनल स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो अभी आप बाय करोगे तो थोड़ा महंगा मिलेगा, इसलिए क्या करेंगे, कल या परसों एक रेड कैंडल का वेट करेंगे और जैसे ही रेड कैंडल बनती है वहां पे आपको बाय करना है, 145 के आसपास बाय करना है। अभी सीएमपी कितना है, 147.5 है, तो आपको 145 के आसपास बाय करना है। यहाँ पे गिरावट आएगी तो उसको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा और फिर से डिमांड जोन का भी सपोर्ट मिलेगा, तो स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा करना है तो सस्ते में बाय करने का ट्राई करना है। तो 145 पे बाय करना है, 140 का स्टॉप लॉस लगाना है, 155 के टारगेट 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन अगर आप समझो कि 147.5 पे कल बाय कर लिया, यानी कि समझो कि कल स्टॉक 149 पे ओपन हुआ, आप फोमो में आ गए कि अभी फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि स्टॉक मुझसे मिस हो जाएगा, तो आपने 149 पे बाय कर लिया, तो अभी आपका रिस्क कितना हो गया, ₹9 का रिस्क हो गया। सामने आपको टारगेट तो सेम है 155 का ही है, तो आपको ₹6 का ही टारगेट मिलेगा। तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो पा रहा है, इसलिए जितना हो सके आपको रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2 का लेके ही चलना है। तो अभी वो 1:2 का कैसे आ पाएगा, तो आपका टारगेट तो यहाँ पे समझो कि वो 155 का अपने टारगेट लेके ही चल रहे हैं यहाँ पे, तो अभी आपको मैच करना है। तो यहाँ पे बाय करोगे तो वो मैच नहीं हो पाएगा, इसीलिए स्टॉक को थोड़ा सा गिरने देना है, फिर बाय करना है। तो यहाँ से आपका ये आधा हो जाएगा और ये आपका पूरा टारगेट डबल हो जाएगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो रिवर्सल पॉइंट मिल चुका है, तो आपको थोड़े से गिरावट पे स्टॉक को बाय करने का ट्राई करना है। अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है बीबीएल। बीबीएल आपको बाय करना है, उससे पहले गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो यहाँ पे जाके आप पिन मैसेज में आपको सब डिटेल मिल जाएगा। प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में आपको अच्छे मोमेंटम स्टॉक मिलते रहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से। अगर निफ्टी में गिरावट आती है तो भी अपने स्टॉक अच्छे से रैली दिखाते हैं ऊपर की साइड। आज अपने प्रीमियम मेंबर ने बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक ने अच्छे रैली भी दिखाई और बहुत अच्छे से प्रॉफिट भी बुक किया। तो गाइज आपको वो ध्यान में रखना है कि प्रीमियम टेलीग्राम चैनल सिर्फ आपको सीखने के लिए नहीं होता है, आपको उसके बाद फॉलोअप भी देता रहता है, यानी कि ट्रेड लिया तो उसको कितना टारगेट होल्ड करके रखना है। जैसे कि आज का एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक RML था, RML स्टॉक मैंने 645 का टारगेट था, प्रीमियम टेलीग्राम चैनल की बात कर रहा हूँ, उसमें ट्रेड दिया था 607 के आसपास दिया था, 645 का टारगेट था, लेकिन आज स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने क्या किया, टारगेट को मॉडिफाई करा के 645 की जगह 660 का टारगेट करा दिया और वो टारगेट आज अजीब भी हो गया। RML का आज देखोगे तो 663 का हाई था आज का। तो ये फायदा होता है, अगर आपको कोई मेंटर होता है तो आपको ये हेल्प करता है कि टारगेट और स्टॉप लॉस को आपको कैसे मॉडिफाई करना है और आपको हेल्प मिलती है उसमें। तो गाइज प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आपको सब डिटेल मिल जाएगी, यहाँ पे मैसेज में आपको क्लिक करके देख लेना है। तो अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है बीपीएल। बीपीएल को आपको बाय करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। तो यहाँ पे स्टॉक क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, तो आप इसको पूरा सप्लाई जोन बोल सकते हो। इसको आप कैंडल देखो ऊपर की साइड क्लोज दिया है, तो कैंडल क्लोज देनी चाहिए, तो एक कैंडल ने क्लोज दिया, यानी कि ये क्या हो गया, ब्रेकआउट कैंडल हो गए। तो ये सप्लाई जोन क्या हो जाता है, ब्रेकआउट कैंडल के बाद डिमांड जोन का काम करता है और सेम ऐसा ही हुआ यहाँ पे देखोगे तो, जितनी बार स्टॉक नीचे आ रहा था बार बार ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है और अभी देखोगे तो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और यहाँ पे भी बैक टू बैक 2 दिन से ट्रेंड लाइन का स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, यानी कि ये आपका रिवर्सल पॉइंट हो गया,
इसके हाई के ऊपर आपका गया था स्टॉक, यहाँ पे देखोगे तो भले नीचे क्लोज दिया लेकिन थोड़ा सा भी जाता है 10-20 पैसा तो भी आपका कॉल एक्टिव हो जाता है, यानी कि आपका समझो कि यहाँ पे किसी ने बाय किया उसका भी स्टॉप लॉस ये रहने वाला है, ये वाला नीचे वाला। अगर आपने बाय नहीं किया अभी बाय करना है तो आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, तो आप यहाँ पे कल स्टॉक को बाय कर सकते हो, आपका भी स्टॉप लॉस सेम रहने वाला है। तो आपकी आपको ये डिस्काउंट में मिल रहा है क्योंकि आपका कॉल ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, तो आपको इसमें वेट एंड वॉच करना नहीं है। बीबीएल का सीएमपी 3046 के आसपास है, तो कल आपको ओपन प्राइस पे बाय करना है, 3010 का स्टॉप लॉस लगा के 3150 के टारगेट 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। और यहाँ पे अपने को ये बाय ऑन डिप विथ एडीएक्स क्या बता रहा है, एडीएक्स की वैल्यू देखो 25 के ऊपर है, विलियम सर की वैल्यू यहाँ पे -80 आई थी और यहाँ पे भी -80 आई, यानी कि ये सेटअप क्या बता रहा है कि स्टॉक मैक्सिमम यहाँ तक ही गिर सकता है, स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है, तो आपको लो रिस्क में अच्छा स्टॉक मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। तो ये अपना हो गया तीसरा स्टॉक जो आप कल बाय कर सकते हो ओपन प्राइस पे। अभी मैं आपको चौथा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है स्नाइडर। स्नाइडर एक ऐसा स्टॉक है जो 8 साल के ब्रेकआउट दिया है लेकिन मंथली चार्ट के ऊपर दिया है। अभी अपने एनालिसिस करेंगे वो डेली चार्ट पे करेंगे, लेकिन मैं आपको मंथली चार्ट भी इसका बताऊंगा, डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नाम रहेगा स्नाइडर, 8 ईयर्स मंथली ब्रेकआउट है और बाय एंड विथ एडीएक्स विल हेल्प, मैं आपको समझाता हूँ। तो अभी पहले मैं आपको मंथली चार्ट ओपन करके बता रहा हूँ। गाइज वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको कुछ ना कुछ ऐसे सीखने को मिलेगा, तो आपको क्या करना है वीडियो पूरा देखना है ताकि आप कुछ ना कुछ सीख पाओ। तो यहाँ पे आपको मंथली चार्ट दिख रहा है, आपको क्लियर कट यहाँ पे देखोगे तो ये रिजेक्शन एरिया था, 230 से 240 के बीच में रिजेक्शन एरिया था। कौन सा साल था, 2015 साल था, यहाँ पे देखोगे तो 2015 की साल था। और यहाँ पे देखोगे तो 2023 में मंथली चार्ट में अच्छे से क्लोज भी दिया है, उसका जो सप्लाई जोन था उसके ऊपर क्लोज भी दिया है, और आप इसको क्या बोल सकते हो, रिटेस कैंडल बोल सकते हो। अभी आपको ये स्टॉक को बाय करना है तो आपको मंथली चार्ट पे बाय करोगे तो वो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो अभी अपने क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाके बाय करने का ट्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी डेली चार्ट ओपन करके रखा है, डेली चार्ट में भी आप इसको एक कैंडल को लॉजिकली देखोगे तो एक कैंडल ने ये जो सप्लाई जोन था उसके ऊपर क्लोज दिया, यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हो, ब्रेकआउट कैंडल बोल सकते हो। उसके बाद आपको इसको आप ये जो कैंडल दिख रहा है उसको क्या बोल सकते हो, रिटेस्ट कैंडल। रिटेस्ट कैंडल के हाई के ऊपर भी स्टॉक गया, यानी कि आपका रिवर्सल कंफर्मेशन मिल चुका है। तो स्टॉक देखोगे तो ऊपर जा रहा है लेकिन नीचे भी आ रहा है, लेकिन नीचे यहाँ पे देखोगे तो बार बार डिमांड जोन में आके रिवर्स मार रहा है। यहाँ पे देखो रिवर्स मारा, यहाँ से भी रिवर्स मारा, अभी फिर से ये जोन में आने का, यानी कि डिमांड जोन में आ रहा है, तो यहाँ से भी रिवर्स मार सकता है। और दूसरा रीजन कौन सा है, बाय एंड डिप विद एडीएक्स विल हेल्प। अभी ये काम नहीं कर रहा है, देखोगे तो एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर है, विलियम सर की वैल्यू -80 आनी चाहिए, अभी तक देखो -76 है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, अगर स्टॉक में कल 1-2 रुपीज का गिरावट आता है, रेड कैंडल बनती है, तो इसकी वैल्यू -80 आ जाएगी और ये सेटअप अपने को बताएगा कि स्टॉक मैक्सिमम जितना गिरना था वो गिर चुका है, यहाँ से कहीं ना कहीं बाउंस बैक लेके फिर से ऊपर जा सकता है। तो अभी आपको इतने इसमें करना क्या है, आपको अभी आपको पता नहीं है तो आपको ये जो डिमांड जोन है वो आपका बाइंग जोन हो गया है, तो यहाँ पे आपको बाय करना है और इसके नीचे डेली क्लोज देता है क्योंकि ये पूरे मंथ के लिए एक ट्रेड रहेगा, तो आपको इसके नीचे डेली क्लोज देता है तो ही आपको एग्जिट करना है। फिर ये पूरा आपका जो ब्रेकआउट दिया था वो फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से स्टॉक में गिरावट नीचे की साइड आ सकती है, इसीलिए आपको स्नाइडर का सीएमपी 241 है तो आपको कल ओपन प्राइस पे बाय कर सकते हो, लेकिन आपको 230 का डीसीबी यानी कि डेली क्लोज दे 230 के नीचे तभी आपको एग्जिट करना है। और टारगेट बढ़िया है, देखोगे तो 280 के टारगेट आपको एक महीना लग सकता है, लेकिन ये टारगेट आराम से अचीव हो सकते हैं। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आप में एक महीने का पेशेंस है कि नहीं है। देखो आप इंट्राडे करोगे तो छोटे छोटे 1-1% के स्टॉप लॉस टारगेट लोगे तो वो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, तो उससे अच्छा है तो एक महीने का एक ही ट्रेड लो, लेकिन आराम से इसमें आपको कितना टारगेट मिल सकता है, 15-20% की रैली आपको इसमें मिल सकती है, तो आप वो भी ध्यान में रखना है कि एक ट्रेड लो लेकिन अच्छा ट्रेड लो। तो ये गाइज अपना एक महीने का ट्रेड रहेगा, स्नाइडर में आपको बाय करना है कल ओपन प्राइस पे, लेकिन 230 के नीचे आपको डेली क्लोज दे तो आपको एग्जिट करना है। तो गाइज होप गाइज आपको सब समझ में आ गया होगा। मैंने आपको अपोलो हॉस्पिटल आपको कंडीशनल बाइंग करनी है, 5200 के ऊपर बाय करना है। टीआई इंडस्ट्री को आपको क्या करना है, गिरावट पे बाय करना है। बीबीएल को ओपन प्राइस पे बाय करना है और स्नाइडर को भी ओपन प्राइस पे बाय करना है। तो गाइज आज की वीडियो में इतने, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कुछ भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो कुछ भी डाउट है तो। गाइस थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।